नमस्कार दोस्तों, काद्यांश किचन में आपका स्वागत है। आज हम कुछ अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जो बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं, बहुत ही सिंपल से हैं और इन्हें आप अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा टिप है वो आलू को लंबे समय तक स्टोर रखना है। तो आपको फ्रेश कैसे आप इसे रख सकते हैं, उसके लिए आप जहाँ भी आलूओं को रख रहे हैं उसके साथ ही आप लहसुन की गांठें भी रख दें कुछ, और आप देखेंगे कि आलू में से जो स्प्राउट्स निकलते हैं, रूट्स निकलती हैं, वो नहीं निकलेंगी और ये एकदम फ्रेश रहेंगे लंबे टाइम तक। अब मेरा दूसरा टिप, तो दूसरा टिप है मेरा कि हम अपने बर्तनों में से जो स्टिकर आते हैं, जब नए हम बर्तन लेके आते हैं तो इस तरीके का स्टिकर होता है उस पर, और उसे हम कैसे उतारें। कई बार ये पूरे उतर जाते हैं लेकिन कई बार ये ऐसे फट जाते हैं और उसके बाद में ग्लू भी बड़ा चिपचिपा रह जाता है, उसे मांजने पर भी वो नहीं उतरता है। तो उसे हम कैसे करें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पर गर्म पानी को डाल देंगे, तो 2 चम्मच काफ़ी हैं, और उसके बाद में 10 मिनट आप उसे छोड़ दें। और फिर एक प्लास्टिक की ही चम्मच आप लीजिएगा, चाकू या स्टील के चम्मच से ना उतारें, प्लास्टिक के चम्मच से उतारें ताकि कोई स्क्रैच वगैरह ना हो। ये स्टिकर उतर जाएगा और ये ग्लू अभी रह जाएगा, तो उसे हम कैसे उतारें, तो पहले आप ये साफ़ कर लें और उसके बाद में हम इस पे एक कॉटन ले लेंगे, कॉटन पे हम थोड़ा सा नेल पेंट रिमूवर को लगाएंगे और इसे रब करके उतार लेंगे। तो ये देखिए, ये बड़ी आसानी से उतर जाते हैं। और इस ट्रिक को आप स्टील के बर्तनों पे, एल्यूमिनियम पे या फिर पीतल या किसी भी मेटल पे आप यूज़ कर सकते हैं। किचन को चींटियों और स्पाइडर से कैसे बचा के रख सकते हैं, जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होता है वहाँ पे मकड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो वहाँ के लिए हम विनेगर को यूज़ करेंगे। तो विनेगर आप जब भी किचन की अपनी अलमारियाँ साफ़ कर रहे होते हैं तो ज़रूर विनेगर डाल करके अंदर से भी साफ़ कर लें, और बाहर से आप हफ्ते में एक बार ज़रूर करते रहें ताकि मकड़ियाँ और चींटियाँ कभी आपके किचन में ना आएँ। और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, उस वजह से चींटियाँ और मकड़ियाँ नहीं आती हैं। चौथा मेरा टिप है कि आप अपनी चीनी से चींटियों को कैसे बचा के रख सकते हैं। तो जहाँ पे भी चीनी रखते हैं डब्बे में, वहाँ पे आप देख सकते हैं कभी मॉइस्चर या फिर चीनी बाहर गिर जाती है तो चींटियाँ बड़ी आसानी से आ जाती हैं। उससे बचने के लिए आपको कुछ लौंग डाल देनी है और आप उसे स्टोर कर सकते हैं। पांचवा मेरा टिप है, किचन काउंटर को और चूल्हे को, गैस स्टोव को कैसे चमचमाता हुआ आपको रखना है। तो उसके लिए हम एक DIY बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने लिया है पानी। तो आप ये देख सकते हैं 1/4 कप मैंने इसमें पानी डाल लिया है, और इसमें मैंने 2 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा डाला है। बेकिंग सोडा बहुत ही ज़बरदस्त क्लीनिंग एजेंट का काम करता है, तो आपको बाहर से महंगे प्रोडक्ट्स लाने की ज़रूरत नहीं है अपने किचन और स्टोव को साफ़ करने के लिए। और जितना भी पानी लिया है उसका 1/4 भाग आपको लेना है विनेगर। विनेगर को आप इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा में, तो ये देखिए किस तरीके से रिएक्ट करता है। विनेगर भी चिकनाई को साफ़ करता है। और इसमें मैंने कुछ ड्रॉप्स, 4 से 5 ड्रॉप डाल दिए हैं डिश वॉशर, और बस इसे अब हम मिक्स करेंगे और ये हमारा क्लीनर तैयार हो चुका है। आप इसे 15 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये मैंने एक स्प्रे बॉटल में डाल दिया है और किचन काउंटर को हम इसे साफ़ कर सकते हैं। टिप नंबर 6 है, चाकू को घर पे कैसे पैना करें। तो हम जब चाकू को यूज़ करते हैं तो वो रफ़ हो जाते हैं, ब्लंट हो जाते हैं, बड़ी आसानी से हमारी सब्जियों को काटते नहीं है, दिक्कत देते हैं, ख़राब से हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें एक कप ले लेना है, और कप के पीछे की साइड में आप इस चाकू को रब करें, और रब करेंगे कुछ ही देर में ये पैना हो जाता है, बहुत ही शार्प हो जाता है, ये देखिए। तो जितने भी आपके पास चाकू रखे हैं आप उन्हें रब कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे हम इसे रगड़ रहे हैं तो कप के बैक साइड में काला कालापन आप देख सकते हैं, ये कालापन जो है ये चाकू का लोहा घिस रहा है, और जिस वजह से चाकू शार्प हो जाता है। आपको ये वीडियो यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में आप इसे शेयर कर सकते हैं। आपके लिए कौन सा बेस्ट ट्रिक रहा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, 7वां जो टिप है वो है कोलगेट से हम अपने जले हुए जगह को कैसे ठीक कर सकते हैं। कई बार हमें घर पे माइनर बर्न्स जो हो जाते हैं, जो घर पे जल जाता है, तेल वगैरह लग जाता है या फिर कुकर लग जाता है, गर्म कढ़ाई लग जाती है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा ले लेना है कोलगेट। और कोलगेट आप ये देखिए सफ़ेद वाली ही लीजिएगा, बीच में आजकल जो जेल्स आती हैं वो वाली मत लीजिएगा,
थोड़ा सा लेकर के इतनी ही लेयर हमें लगानी है, ना ज़्यादा पतली और ना ज़्यादा गाढ़ी। इतनी लेयर आप लगा लें, ये बिल्कुल परफेक्ट है, इससे आपके ना तो ब्लिस्टर्स होंगे और जलन में भी राहत होगी। टिप नंबर 8 है दोस्तों, मच्छरों से राहत कैसे पाएं। तो मच्छरों से बचने के लिए हम एक आयुर्वेदिक तरीका बता रहे हैं, यह नीम का तेल, और ये बहुत ही फायदेमंद है। आप मच्छरों से बच सकते हैं क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, और इसी वजह से आप इसे बॉडी पे लगा सकते हैं और ये स्किन के लिए काफ़ी सेफ है। मुंह पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत गाढ़ा होता है। आप इसे छोटे बच्चों पे भी अप्लाई कर सकते हैं और मच्छर बिल्कुल नहीं आएंगे, उनकी स्किन पे भी सेफ रहता है, उनके आप फेस पे भी लगा सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरे ये सिंपल हैक्स पसंद आए होंगे, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं सबसे ज़्यादा यूजफुल टिप आपको कौन सी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।